कि कोई किसी से प्रभावित नहीं हो रहा, सब वोटर जानते हैं कि उसका मकसद क्या है, बिल्कुल कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल उत्साह है और लोगों में होड़ लगी हुई है कौन कितने वोटों से फालतू जिताता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम बेरला गांव में खड़े हैं और एक बार भीड़ देख लें आप लोग। एक छोटे से गांव की मैं बात करूंगा, एक विधानसभा के एक गांव की ये जनसभा थी जिसने आज रैली का रूप ले लिया है। माहौल आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस का समर्थन है, रावधान सिंह को प्यार है या फिर ये लोग हुड्डा को चाहने वाले हैं, वजह कई हो सकती है, लेकिन ये भीड़ आज का कई जो प्रतिद्वंदी है उनके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। बाड़ला के लोग क्या चाहते हैं, फिलहाल क्या माहौल है जी? आप कांग्रेस को लाओ, बीजेपी को हटाओ, सारे इसी गांव के। बिल्कुल बिल्कुल, बेरला गांव है, बिल्कुल बेरला गांव से है भाई साहब, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी। मोदी ने देश को बेच कर रख दिया, मोदी ने देश को बेच कर रख दिया, आगे आने वाले पीढ़ी को बिल्कुल गुलाम करके। देश की आप तो हर बार किसी नए को चुनते हैं, पिछली बार नैना को चुना आपने ऐसा है जैसे बिल्कुल। तो अब जेजेपी जेजेपी का नहीं क्या? बिल्कुल हम कांग्रेस भाई, बिल्कुल की अच्छी तरीके हमारे जवान लोग साथ बहुत लेके आए, वोट ने देश को बर्बाद कर दिया है, देश बर्बाद कर दिया, वोट ही नहीं देते। फिलहाल बर्बाद कर दिया भाई मोदी ने, समय कांग्रेस की है और हमारे बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है, देश के खिलाड़ी इनके मुद्दे पर, देश के खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया है, बहन बेटियों के साथ अन्याय किया है उन्होंने, मोदी ने अग्निवीर लाके देश के जवानों को बर्बाद कर दिया है, मोदी जैसा किसानों के साढ़े 700 किसान मोदी ने शहीद बना दिए और मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। दान सिंह जी से बात करेंगे, दान सिंह जी क्या कहेंगे? मेला हो गया बाड़ा वालों के लिए, तो ये त्योहार हो गया, चुनाव नहीं है, खुशी का माहौल है। सारे दिन के प्रोग्राम आपने अब तक आधे किए और रात हो चली है, बाड़ा में विशेष कार्य मिल रहा है। बिल्कुल विशेष कार्य मिल रहा है, विशेष कार्य बाड़ा में। कुछ लोग कह रहे हैं बोले महेंद्रगढ़ से ज्यादा भी यहाँ से निकले अगर रिजल्ट तो कोई दो बिल्कुल 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 जबरदस्त उत्साह है और लोगों में होड़ लगी हुई है कौन कितने वोटों से फालतू जिताता है। लेकिन दान सिंह जी एक बात करेंगे, आप भिवानी दादरी में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल भी अच्छा है उधर, आपके हलके में बात करें हम, आपके इलाके में बात करें, इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि एक तरफा वोट बीजेपी को देना है, हमारा दोस्त है दान सिंह ने धोखा दे दिया। ऐसा कुछ नहीं, वो जो कहने वाले वो बातें खत्म हो चुकी, कोई किसी से प्रभावित नहीं हो रहा, सब वोटर जानते हैं कि उसका मकसद क्या है, बिल्कुल कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल निश्चित है वो, आप बिल्कुल 100% जितने यहाँ वोटों से जीते इतने वोटों से खुद मोदी जी की एंट्री भी महेंद्रगढ़ में होने वाली है, क्या लगता है चुनाव खींच चुका है? चुनाव तो खींच नहीं चुका, चुनाव तो कांग्रेस जीत रही है, मोदी जी अपने पार्टी करता रहे उसको अलग बात है। ये माहौल है और देखिए जिस तरीके से बहुत खतरनाक हो सकता है, हम नीचे जा रहे हैं फिलहाल और माहौल देख सकते हैं भाई, प्रोग्राम के खत्म होने के बाद भी लोग बाहर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं और हर कोई फूलमाला डालने की स्वागत करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल ये बाड़ा के बेरला का हाल है और ये फिलहाल दिखा दें नेताजी को किस तरीके से लोगों ने अपने गोद में उठा रखा है, ये प्यार है इनके प्रति आप देख सकते हैं, बाड़ा का माहौल आप देख सकते हैं। फिलहाल